नमस्ते, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आप देख रहे हैं राजस्थान का रण, किसका पूरा होगा प्रण। जी हां, राजस्थान का ये जो रण है इसमें बड़े दिग्गजों का प्रण क्या पूरा होगा वो देखने वाली बात है। कि सवाल यही है, पूछा भी यही जा रहा है, क्योंकि इन दिनों राजस्थान पर चुनावी रंग चढ़ा है। प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दरअसल 25 नवंबर को मरुधरा में मतदान किया जाएगा। इसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे और इसी के साथ साफ हो जाएगा कि राजस्थान के इस रण में किसका प्रण पूरा होगा, लोगों को प्यार और समर्थन किस पार्टी के पक्ष में गया। लेकिन इससे पहले राजस्थान में ठंड के दिनों में गर्माहट आई है, सियासी तपश के आगे ठंड भी फीकी नजर आ रही है। बड़े बड़े नेता इन दिनों राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं और जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान कर रहे हैं, मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भरतपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी, अपने आप को जादूगर कहने वालों का जादू खत्म हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर उल्टा निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी आलोचना करना, लेकिन बीजेपी इसमें असफल साबित हो रही है। कुल मिलाकर वोटिंग से पहले भरपूर सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां ये है कि क्या राजस्थान में मोदी मैजिक काम आएगा, क्या राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार को बचा पाएगी, बीजेपी या कांग्रेस जनता किस पर भरोसा दिखाएगी। कई मामले हैं जिसे लेकर प्रधानमंत्री सूबे की सरकार को घेर चुके हैं। क्या ये सब सवाल काम आएंगे इस चुनाव में, इसी पर बातचीत, इसी पर चर्चा। उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब बस एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। जनता 25 नवंबर को वोट डालने वाली है। ऐसे में राजस्थान के रण पर अपनी विजय का परचम लहराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने किले को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखने की पुरजोर कोशिश कर रही है। चुनावी माहौल गर्म है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जीत का मंत्र भी दिया। दिवाली के बाद अब राजस्थान पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है, ऐसे में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने मरुधरा में अपना डेरा जमा रखा है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच भरतपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया और राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस झूमंतर। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें जनता से कई वादे किए गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने उन वादों को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि वो राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएगी, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। ये वादे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की भी गारंटी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने बिना होमवर्क किए ही संकल्प पत्र जारी कर दिया। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। देखिए, ऐसी स्थिति बीजेपी की कभी नहीं बनी, ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई कि हमारे कोई भी उपलब्धि जो है, हमारी जब सरकार चलती है कोई न कोई योजना बनती है, कानून पास होते हैं, गारंटी दे रहे हम लोग, तो विपक्ष की जिम्मेवारी वो जवाब दे या आलोचना करे, कमियां बताए, वो बिल्कुल गोल है उसके अंदर। और तो और उनके अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी उन्हें जिक्र तक नहीं किया। और कई तो हमारी योजनाएं ऐसी है जिसके बारे में उन्होंने कमेंट भी नहीं किया। जैसे ओपीएस है, वो क्या करेंगे? ओपीएस अगर सरकार आएगी तो क्या करेंगे? ओपीएस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जोधपुर में भिलाड़ा विधानसभा के पीपाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फाइव ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने सांचौर में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में विकास के नाम पर बस छल किया है। भ्रष्टाचार में राजस्थान का नाम हो, आज महिलाओं के उत्पीड़न में, महिलाओं के बलात्कार के केसेस में राजस्थान देश में नंबर एक पर हो गया हो, आज किसानों के तिरस्कार में, उनके साथ अन्याय होने में राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, आज गरीब और पिछड़ों पर अत्याचार में राजस्थान में नंबर एक पर इसके नाम हो जाए, और भाई को भाई से लड़ाना, धार्मिक तुष्टिकरण करना, सर तन से जुदा होना, इस तरीके की आवाजें शांत प्रिय राजस्थान में 5 साल में जो लगी है उसने ग्रहण लगा दिया है राजस्थान को। ग्रहण राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। 25 नवंबर को राजस्थान में 200 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस राजस्थान पर है। ऐसे में राजस्थान में इन दिनों चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। अब इस बार राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज टूटेगा या कायम रहेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही साफ होगा। न्यूज इंडिया के लिए नेहा भदौरिया की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी। अब आगे डिबेट में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका नाम बता देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मदन प्रजापत होंगे, हमारे साथ डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पीताम्बरा राजे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस पूरे डिबेट में।
होंगे। सबसे पहले मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजस्थान के चुनाव में लगातार स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम स्टार प्रचारक वहां आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब की बार भाजपा सरकार के नारे लगाते खुद प्रधानमंत्री भी सुने गए। राजस्थान के इस चुनाव को कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी? प्रीति देखिए, एक तरफ देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और देश का मान सम्मान जो है विदेशों तक पहुंच रहा है और देश की विकास दर जो है वो आसमान छू रही है। दूसरी तरफ राजस्थान की भ्रष्ट निरंकुश सरकार है, जिसके रहते हुए 5 साल के अंदर यहाँ युवाओं के, महिलाओं के, व्यापारी वर्ग के और जो राजस्थान की परंपरा थी, राजस्थान की जो संस्कृति थी, उसको शर्मसार करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने किया। इस बार जनता मन बना चुकी है कि जो भ्रष्ट और निरंकुश सरकार है, जो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए और राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ एटीएम की तरह यूज करने के लिए काम में ले रही है, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। इस बार हमारा मैनिफेस्टो आया, आपने देखा होगा कि हमने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए महिला को सुरक्षा दी है, देने का काम हम करेंगे, युवा को समृद्ध बनाने का काम करेंगे, किसान को दृढ़ बनाने का और काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो जिस तरीके की योजनाएं केंद्र सरकार ने दी है, आज आप देखिए कि राजस्थान में अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है तो भारत सरकार बनाती है, राजस्थान सरकार का कोई योगदान नहीं होता। राजस्थान में नेशनल हाईवे बनते हैं तो भारत सरकार बनाती है। राजस्थान के 33 जिलों में से 23 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनते हैं तो भारत सरकार की वजह से बनते हैं। और किस तरीके से किसान को जो सम्मान निधि मिली, किस तरीके से किसान के लिए जो है उसकी आय दुगनी करने का काम किया। और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार थी जो राजस्थान में पैदा होने वाले बाजरे की MSP नहीं दे पाई और राजस्थान को MSP पे बाजरा और आपकी सरसों नहीं बेच पाई, तो ये सब राजस्थान की जनता ने भुगता है। राजस्थान ने ये देखा है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। भ्रष्टाचार ऐसे होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑफिस होता है उसके पास में आपको 2 करोड़ रुपए केस और सोने की सिल्लियां मिलती है और सरकार जो है वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहती है। देखा है कि किस तरीके से गणपति प्लाजा के लॉकर खुल रहे हैं और वहां पे सोना और पैसा मिल रहा है। राजस्थान ने देखा है कि किस तरीके से एक डिजाइन बॉक्स राजस्थान में सरकार की छवि सुधारने आती है और राजस्थान की गाड़ी कमाई का भ्रष्टाचार होता है और बाद में आग लगा दी जाती है। तो इन सब चीजों की जांच हमारी सरकार आएगी और ये भ्रष्टाचारी जो पेपर लीक के अंदर सम्मिलित है और जो भ्रष्टाचारी जल जीवन मिशन में सम्मिलित है, इन सबके हलक में हाथ डाल के जनता की गाड़ी कमाई को वापस निकाला जाएगा और राजस्थान पर्यटक की दृष्टि से, राजस्थान को महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल शांत प्रदेश बनाने का और समृद्ध प्रदेश बनाएंगे जहां व्यापार, जहां पे राहुल प्रवक्ता कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप और साथ ही भ्रष्ट सरकार, पेपर लीक मामले में लिप्त सरकार, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान करने वाली सरकार, कई आरोप भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सूबे के सरकार जो कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वहाँ अशोक गहलोत, उन पर तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इस चुनाव को कांग्रेस कितना चुनौतीपूर्ण मान रही है? प्रीति जी, आपका कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं शायद आपको ठीक से नहीं सुन पाया। कितना चुनौतीपूर्ण है इस बार राजस्थान का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में, क्योंकि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक वो कड़े और बड़े आरोप लगा रही है सूबे की सरकार पे, कह रहे हैं सुरक्षा महिलाओं को नहीं दे पाए, पेपर लीक का मामला हो गया, यहाँ पर दिन दहाड़े कन्हैया लाल मामला हो जाता है, सरकार का रुख नॉर्मल रहता है, क्या कहेंगे? देखिए प्रीति जी, कन्हैया लाल के मामले में हमने 3 घंटे में गिरफ्तारियां करी। चुनौतीपूर्ण कितना है ये चुनाव कांग्रेस के लिए, कितना चुनौती? कोई चुनौतीपूर्ण चुनाव नहीं है। हमने जो सरकार ने हमारे 5 साल तक जो काम किए उन काम के नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमने जो अभी 7 गारंटियां दी है, हमारी गारंटियों के ऊपर राजस्थान और देश विश्वास कर रहा है और इनके स्टार प्रचारक और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा साहब कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में भी गए थे, आप वहां का देख सकते हैं कि क्या हश्र हुआ। प्रजापत साहब को मैं बता दूं कि राजस्थान में जो पेपर लीक को लेकर जो कानून बना है उसमें कड़े से कड़े दंड देने का प्रावधान किया गया है और हमारी 7 गारंटियों के ऊपर राजस्थान प्रदेश की जनता हमारे कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रही है, जिसमें हमारे परिवार की महिला मुखिया को हम 10,000 रुपए प्रति सालाना दे रहे हैं और राजस्थान के 1.2
04 करोड़ परिवारों के लिए 500 करोड़ रुपए के सिलेंडर की व्यवस्था, 500 रुपए के सिलेंडर की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की है। और सरकारी कॉलेजों के पीताम्बरा राजेश जी, राजस्थान के चुनाव को कैसे देखती हैं, महिला के प्रोस्पेक्ट से कैसे देखती हैं आप, क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित है राजस्थान? अनम्यूट कीजिए पीताम्बरा जी, आपने ना म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, अभी अभी बोलिए आप। जी मैं देखती हूँ, लोअर तबके की महिला हो या बड़े तबके की महिला हो, कोई भी महिला हो, उसको सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा हो सकता है। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है और वर्तमान में जो ये 25 तारीख को वोट होगा ये सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का रहेगा। और राजस्थान में महिलाओं के अभी देखिए आज ही अखबार में एक आया था तो वो थोड़ा सा हर एक दिन छोड़कर अशोक गहलोत साहब ने काम किया है राजस्थान में, आप ये बताइए, आप तो एक आम नागरिक भी है वहाँ की, आप वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कैसे देखती हैं अशोक गहलोत के काम पूरे के पूरे कार्यकाल को वहां राजस्थान में? 5 साल रहे वो, कैसे मुख्यमंत्री थे, कैसे मुख्यमंत्री हैं अभी? अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो कार्य किए हैं तो कुछ कार्य हैं कि उन्होंने क्या किया कि पूरे एक समाज को लेकर नहीं करके कुछ जैसे कर्मचारियों को तुष्ट किया, कुछ जैसे मेडिकल किए सुविधाएं दी हैं, कुछ तुष्टिकरण की नीतियां भी लाए हैं, बाकी बहुत सारी बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके तौर पर अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और लोगों को कुछ एक तबका खुश है लेकिन लोगों को है कि परिवर्तन चाहिए। ठीक है, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस पूरे राजस्थान के चुनाव में जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पीताम्बरा जी हमारे साथ हैं, आपने उनको भी सुना, आप एज एन पत्रकार पूरे राजस्थान के चुनाव को कैसे देखते हैं क्योंकि अब माहौल बहुत गर्माता जा रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में वार प्रतिवार दोनों ही तरफ से। प्रीति जी, राजस्थान में तो सरकार बदलने की परंपरा रही है, वहां सरकार हटाने के लिए लोग वोट करते हैं हर बार, तो अब इस बार भी क्या वो जज्बा है कि सरकार हटाने के लिए वोटिंग की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी जरूर सक्रिय है इन दिनों और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रही है, पेपर लीक का भी मुद्दा उठा रही है, और लेकिन 5 साल तक ये एब्सेंट रही, केवल चुनाव के मैदान में आने के बाद वो मुद्दा उठा रही। मुद्दा उठाने का काम सचिन पायलट को करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस आला कमान के हस्तक्षेप के बाद कानून लाया गया पेपर लीक के मामले में, यानी जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो सचिन पायलट कांग्रेस के नेता कर रहे थे। तो विपक्ष के तौर पर जब आप 5 साल एक्टिव नहीं रहे तो आखिरी समय में क्या जनता उस एंटी इनकंबेंसी का लाभ बीजेपी को देगी, वो इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है कि जो वसुंधरा राजे इतना बड़ा चेहरा, उनको प्रधानमंत्री जी ने मंच पर बार बार अपमानित किया, उनको अभिवादन नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया, उनको बोलने का अवसर नहीं दिया, ये अपनी पार्टी के नेता, कोई गैर पार्टी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कह दे कि बोलने नहीं दिया तो क्या हुआ, अरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के, उनके साथ ऐसा हुआ। इसके बाद हाल में भी अभी घोषणा पत्र जारी हो रहा था, उस समय भी वसुंधरा राजे जी नाराज होकर के चली गई, कारण क्या था कि मंच पर जो दृश्य उपस्थित हुआ सबको एक एक पर्ची दी गई कि ये घोषणा आप दिखाइए, और सब लोग कोई 17,000 करोड़ का ऐलान कर रहा है, कोई कुछ ऐलान कर रहा है, और वसुंधरा जी को 450 रुपए का ऐलान करने के लिए दिया गया, वो भी पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने नहीं दिया, सीपी जोशी जी ने नहीं दिया, गजेंद्र शेखावत जी दे रहे थे, नाराज हो गई वसुंधरा जी। तो प्रश्न यह है कि आखिर क्यों आप वसुंधरा जी से लड़ करके आप क्या राजस्थान जीत लेंगे? बीजेपी क्या जीतना नहीं चाहती राजस्थान का चुनाव? वसुंधरा जी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया सारे
बागियों को मनाने के लिए। नहीं तो यहाँ एक सवाल और भी है प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हैं कि क्या वसुंधरा जी को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीतना चाहती है, और क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिलहाल किसी को बनाया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि अपने चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़वा रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रधानमंत्री जी अगर बोलते हर बार की तरह कि तुम मेरे चेहरे पर वोट देना, जो बोला करते थे, इस बार नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि कमल को देख करके वोट दीजिए, बदल दिया, रणनीति बदल दी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, घोषणा पत्र आप जितने राज्य हिंदी बेल्ट के देख रहे हैं वहां पर घोषणा पत्र में देखिए मोदी की गारंटी है, उसका मतलब वही होता है। देखिए आपने भी ये जो पूरा प्रोग्राम किया उसका जो चेहरा लगाया है मोदी जी, और बगल में गहलोत जी का चेहरा है। अब देखिए गहलोत जी का तो सीएम को पीएम के सामने खड़ा कीजिए, उनकी तो प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी क्या, आप स्वयं सोचिए। चुनाव में स्थानीय चेहरे होने चाहिए, स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। मतलब ये भी एक फैक्टर है कि स्थानीय चेहरे आपके पास को बीजेपी के पास नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ मैं बस थोड़ा सा ब्रेक पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी मैं भारतीय जनता पार्टी से। मदन जी बस छोटे से ब्रेक के लिए मैं जाना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए आप प्राइम टाइम डिबेट शो राजस्थान का रण किसका होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर डिबेट में, वापस चलेंगे तमाम मेहमान हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए मेरे को थोड़ा सा, मैं दोनों की जवाब दे देता हूँ, राहुल यादव का भी दे देता हूँ, प्रेम जी का भी दे देता हूँ। प्रेम जी ने बहुत सवाल उठाए, प्रेम जी कह रहे हैं कि एक तो फेसलेस चुनाव का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है लोकल, कैसे लोग भरोसा करेंगे जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत जी। मैं प्रेम जी का पहले जवाब दे देता हूँ कि प्रेम जी पहले तो आप कांग्रेस से पूछ लीजिए कि चेहरा है कि नहीं है। वो ये कहते हैं कि 7-8-10 चेहरे बताते हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है चेहरों की कोई कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कोई कमी नहीं है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है प्रदेश को चलाने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेम जी बहुत विश्लेषण कर रहे हैं, वो देखना नहीं चाहते या उनको दिखता नहीं है, या वो टीवी नहीं देखते तो मुझे पता नहीं, वसुंधरा जी का अपमान कर दिया। अरे अपमान प्रेम जी इसको नहीं कहते हैं, वसुंधरा जी हर मंच पे प्रधानमंत्री जी के साथ थे, अपमान तो गहलोत जी से पूछिए कि घिसराई रगड़ाई कोरोना मानसिक दिवालियापन क्या क्या नहीं कहा अपने सहयोगी को, वो अपमान आपको दिख नहीं रहा। वसुंधरा जी मंच पे होती है, भाषण देती है, अब ये आपका राजनीतिक विश्लेषण कैसा है मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा क्षमा कीजिए, क्योंकि आप बार बार वसुंधरा जी नहीं है। अरे वसुंधरा जी चुनाव लड़ रही है, वसुंधरा जी चुनाव लड़वा रही है, वसुंधरा जी सभाएं कर रही है, अब आप कौन सा चश्मा लगा के बैठे हुए जो आपको दिखता नहीं है? क्या छोड़िए आपके राजनीतिक विश्लेषण पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम गारंटियां दे रहे हैं, मैं गारंटी दिखवा देता हूं मेरे मित्र को थोड़ी सी। ये सोहन लाल कटेला है गंगानगर का किसान, जिसने लाइव वीडियो बना के और ये कहते हुए मर गया कि राजस्थान में मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट उसके जिम्मेदार है, उनकी वजह से ऋण माफ नहीं हुआ इसलिए मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महिला अत्याचार में ये देखिए, महिला का अपहरण कर बंधक बनाया गया, 15 दिन तक सामूहिक, ये पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, 15 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया, 3 साल की बच्ची के साथ में रेप किया गया, बंधक बनाकर विवाहिता के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बेटी का अश्लील वीडियो बनाया गया, इसी राजस्थान का बता रहा हूं मैं। अध्ययन करने सरकारी स्कूल के अंदर गई थी बच्ची, उसके साथ में बलात्कार किया गया, बंधक बनाकर युवती से रेप किया गया, अधिकारी ने धमकी दी घोषणा के लिए, सामूहिक दुष्कर्म कर पीड़िता के को शव कुएं में डाला गया। इस राजस्थान ने देखा है आपकी गारंटी कि भीलवाड़ा के अंदर एक बालिका के साथ में बलात्कार किया जाता है, जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। इस राजस्थान ने देखा है करौली के अंदर किस तरीके से एक बालिका के साथ में अपहरण किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है। पहले जवाब जवाब प्रेम कुमार जी से ले लेते हैं, उसके बाद राहुल जी। हाँ 10 सेकंड और दीजिएगा, मैं राजस्थान ने देखा है किस तरीके से, और राजस्थान में एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए आग पे पत्ती बांध के दरखास्त बन के बैठा रहा। इस राजस्थान में आरपीएससी जैसी संस्था को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इस राजस्थान में एक पूर्व मंत्री जो है वो युवाओं के भविष्य की दलाली करता हुआ, युवाओं के भविष्य का पेपर नीलाम करते हुए इस राजस्थान ने देखा है।
और किस तरीके से भ्रष्टाचार की प्रकाश आपने देखी है। जल जीवन मिशन के अंदर भारत सरकार ने पैसा भेजा और 30,000 करोड़ रुपए का जल जीवन का मिशन का घोटाला राजस्थान की जनता बोली नहीं है। राजस्थान की जनता कोरोना काल में नहीं बोली है राहुल यादव कि जिस टाइम पे जनता को सरकार की जरूरत थी और ये सरकार राहुल यादव जी से जवाब उसके बाद प्रेम कुमार जी के पास ठीक है सुन लेते ना क्या ठीक है। आप अपना अपनी बातें आप आरोप लगा रहे जवाब तो लीजिए आप अपनी बातें किए जा रहे राहुल जी जल्दी से प्रजापति साहब को भी बता दूं कि कोरोना काल को बिल्कुल देश भी नहीं भूला है। उसी गंगा मैया ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया था तो उसी गंगा मैया के अंदर अरे राजस्थान देश के लोगों के सब देश के सब और राजस्थान के कोरोना मॉडल भीलवाड़ा मॉडल की भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की गई। आप एक रनिंग कमेंट्री ना करें मैं आपके बीच में नहीं बोला आप रनिंग कमेंट्री ना करें एक बार बोलने दीजिए राहुल जी को पहले ठीक है मदन जी पहले राहुल जी अपनी बात रख लें उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा उनको बोलने तो दीजिए पहले 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 उनको बोलने दीजिए पहले फिनिश कर ले एक बार अपनी बात एक सेकंड मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए सर मेरी आवाज बहुत तेज है आप लोगों से ज्यादा है। मैं अभी संयम के साथ बैठी हुई मैं चिल्लाऊंगी फिर आप लोगों में से बोले नहीं नहीं आप लोग ज्यादा मत बोलिए पहले उनको बोलने दीजिए उसके बाद मैं काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी। आपने सवाल उठाए उनको जवाब देने दीजिए सूबे में वो है सत्ता में वो है जवाब देना उनका काम है बोलिए। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल दुनिया ने तारीफ करी राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की कोरोना और जो आप रेप की घटनाएं के बारे में जो बता रहे हैं तत्कालीन वसुंधरा सरकार की कैबिनेट मंत्री कालीचरण सर्राफ ये कहते हैं एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो ये कहते हैं कि क्या हम राजस्थान के हर घर पर ताला लगा दे ये आपकी संवेदनशीलता है रेप को लेकर। और हाल में आप बीजेपी अभी राजस्थान में कह रही है कि हम रोमियो स्क्वाड बनाएंगे आपके रोमियो स्क्वाड यूपी में देश ने देखा अभी हाल ही में आगरा में होम स्टे में जो एक महिला के साथ जो दुराचार हुआ पूरे देश ने देखा राजस्थान पे आपके रोमियो स्क्वाड की तो ये हालत है। और राजस्थान में हम योजनाओं के ऊपर और किए गए काम के ऊपर हम जनता के सामने जा रहे हैं ठीक है एक तरफ नहीं ठीक है तमाम सवाल उन्होंने पूछा मदन ने लेकिन मदन जी ने लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके खेमे में जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत हैं जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने सूबे को बचा के रखने की वहाँ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट भी है जिस पर खुद उन्हीं का खेमा भरोसा नहीं करता है ये भी कहा जाता है कि क्या पता अशोक गहलोत को हराने के लिए सचिन पायलट भी वहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार कर चुके हों ये भी है इस वाले फैक्टर से कैसे कांग्रेस बचेगी ये बताइए राहुल जी। राजस्थान में किसी प्रकार की कोई एंटी इंटरवेंसी नहीं है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत जग जाहिर है राहुल जी क्या बात कांग्रेस नहीं नहीं और जग जाहिर तो प्रीति जी ये भी है कि जब नरेंद्र मोदी जी वसुंधरा को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो भी जग जाहिर है तो वो तो बोला ना प्रेम कुमार जी ने वो छुपा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ सवाल जवाब होते हैं और वो होते रहेंगे आगे। चलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रेम कुमार जी नहीं वो पत्रकार है वो कांग्रेस के बारे में भी बोलते हैं बीजेपी के बारे में भी बोलते हैं। आपने एक तरफ जहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कहा कि खटपट है ये समझ में आ रहा है मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक तरफ सचिन पायलट हैं जिनके साथ अशोक गहलोत के जो उनके रिश्ते हैं वो कई टाइम बहुत सालों से खटपट वाली स्थिति में है क्योंकि वो जग जाहिर हमने देखा है कैसे उन्होंने प्रदर्शन किया उनके खिलाफ वो कह रहे थे कि हमें ये पोस्ट चाहिए वो नहीं हुआ लेकिन आज के डेट में ये भी कहा जा रहा है कि एक खेमा सचिन पायलट वाला भी है जो एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार कर रहा अगेंस्ट अशोक गहलोत उससे कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी तो एक ओपोनेंट पार्टी है जो कि ऑपोजिशन में है आपके घर में ही ये कला है इसे कैसे प्रेम कुमार जी इस पर क्या कहते हैं पहले देखिए प्रीति जी मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान में जो काम विपक्ष के तौर पर बीजेपी को करना चाहिए था वो काम सचिन पायलट ने किया। सचिन पायलट ने पेपर लीक के मुद्दे उठाए बड़े बड़े प्रदर्शन सचिन पायलट ने किए घूम घूम कर यात्राएं निकाली सचिन पायलट ने निकाली। अब ये इसको आप बगावत के रूप में भी देख सकते हैं इसको आप जनता की आवाज उठाना भी बोल सकते हैं जिसका जो नजरिया है वो करे लेकिन सचिन पायलट ने आवाज उठाई ये बात सही है। इसको मदन प्रजापत जी नजरअंदाज कर गए मैंने कहा था कि कांग्रेस के भीतर भी ये चीजें रही लेकिन प्रश्न ये है कि कांग्रेस तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एकजुट करते हुए दिख रही है
राहुल गांधी आ रहे हैं, दोनों को एक साथ हाथ उठवा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके उलट बात नहीं कर रही है वसुंधरा राजे से। अब इस बात को मदन प्रजापति जी इनकार कर बात नहीं करते तो टिकट भी तो दिया उन्हें, वो लड़ भी तो रही है चुनाव विधानसभा का, उनको टिकट दिया है, लड़ रही है, ये क्या इतना काफी है कि टिकट दे दिया? जब वसुंधरा राजे जी को टिकट देंगे तब जीते, वो निर्दलीय भी जीत सकती हैं। लेकिन बात है जो सम्मान मिलना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री को, भाई टिकट दिया क्या? अच्छा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि दिल्ली से राहुल गांधी आ रहे हैं, ये जो खटपट है अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच मिटाने के लिए ये कर रहे हैं काम, क्या यहाँ वसुंधरा जी के लिए जो कहा जा रहा है उसके लिए क्या क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बताइए। मैं प्रेम कुमार जी को याद दिला दूं प्रीति जी कि राहुल गांधी जी ने पहले भी हाथ उठाए थे, एक तरफ वेणुगोपाल जी ने भी हाथ उठवाए थे दोनों के, तो आया घिसड़ाई, फिर दोबारा हाथ उठाया तो आया रगड़ाई, फिर दोबारा हाथ उठवाया तो आया कोरोना, फिर हाथ उठवाया तो आया मानसिक दिवालियापन, अब की बार फिर हाथ उठवाया तो क्या आएगा आप खुद जानती हैं, मैं उसके विश्लेषण नहीं करना चाहता। लेकिन प्रेम कुमार जी ने बार बार वसुंधरा जी पे जा रहे हैं, मेरे को खैर इनका चश्मा मेरे को दिखता नहीं कौन सा है। प्रेम कुमार जी ने एक चीज और बोली है सचिन पायलट के लिए कि सचिन पायलट ने पेपर लीक का मामला उठाया, अजमेर से लेकर जयपुर तक यात्रा की, बिल्कुल सही है सचिन पायलट ने किया, उससे पहले इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा आंदोलन किया, वो प्रेम कुमार जी को नहीं दिखते, वो पता नहीं कौन सा इनका पेपर है, आप पहुंचता नहीं होगा शायद इनके। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब इन्हीं की बात से मैं बात कर लेता हूं कि वो सचिन पायलट अपनी सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, वो सचिन पायलट की सरकार को पेपर लीक में लुप्त बता रहे थे, आज वही सचिन पायलट सत्ता के सुख के लिए सत्ता के लिए सरकार के साथ खड़े हो गए। आप ये देखिए कि भरत सिंह कुंदनवाला ने अपने सर के बाल मुंडवा के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किए और कहा कि इससे भ्रष्टाचार ज्यादा हो नहीं सकता है और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। आप ये बताइए कि भरत सिंह कुंदनवाला चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, इनके हरीश आपके बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, कौन चुनाव की स्थिति है? दूसरी चीज एक चीज और कही, मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि वसुंधरा जी के टाइम पे बयान महिलाओं का बहुत दुख हुआ उनको, मेरे को जान के बड़ी खुशी हुई कि मेरे एक मित्र मणिपुर भी, मणिपुर भी याद रखिए ये भूला नहीं है, और महिला पहलवानों का भी याद रखिए, ठंडा पानी पियो याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। इस राजस्थान के लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किसने किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री के खासम खास मंत्री शांति धारीवाल ये कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि 56% महिलाएं झूठे मामले दर्ज करवाती है, और अभी एक विधायक की बात बता रहे थे, इनके एक विधायक है मीना जिनका बेटा सामूहिक बलात्कार में दोषी है, जिसको कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे देते हैं, यहाँ से टोंक से दो बालिकाएं चली जाती है गायब हो जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अपनी मर्जी से चली गई। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल और लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से महिलाओं का मजाक राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार ने उठाया है वो सारी जनता जानती है। तीसरी चीज गारंटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गारंटी देते हैं, महिला दुष्कर्म की गारंटी ये देते हैं, महिला अत्याचार की गारंटी ये देते हैं, राजस्थान में पेपर लीक की गारंटी ये देते हैं, भ्रष्टाचार की गारंटी ये देते हैं, विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी ये देते हैं, बजरी माफिया पनपाने की गारंटी ये देते हैं, राजस्थान को भ्रष्ट बनाने की गारंटी ये देते हैं, राजस्थान का नाम बर्बाद करने की गारंटी ये देते हैं, राजस्थान को व्यापार उखाड़ने की गारंटी ये देते हैं, ये गारंटियां कांग्रेस के अंदर है। और एक चीज और बता देता हूं, मैं बड़े आपके चैनल के माध्यम से पूछ लेता हूं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों आ रहे हैं, ये बंटी और बबली 2018 में भी आए थे, और इनके बंटी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 10 किसान रंगा और रंगा और गुप्ता कर्नाटक और हिमाचल में भी गए थे, आपको मालूम होना चाहिए। प्रेम कुमार जी मन में हृदय में प्रेम कुमार जी ठीक है, सही कह रहे हैं मदन जी, सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी कि भाई बहन है, बंटी बबली बोलना ठीक नहीं, नाम लीजिए, चुनाव है, आप सीधा सीधा टारगेट कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, बहुत पीताम्बरा राजे जी, अच्छा ठीक है, उनको आपत्ति है बाबा, उनको आपत्ति है, मत बोलिए, उनको आपत्ति है मत बोलिए, ठीक है, पीताम्बरा राजे जी क्या बीजेपी सत्ता में आने के लिए जिस महिला सुरक्षा की गारंटी दे रही है, क्या इस पर लोग वोट देंगे, क्या लग रहा है आपको? देंगे, इसलिए देख लिए क्योंकि क्या है कि गहलोत सरकार ने सुरक्षा और तो वास्तविकता ये है कि आप आज के अखबार में ही एक आईटेक
पुलिसकर्मी ने ही टिकने से इनकार कर दिया, ये बेसिक चीजें हैं। ये महिलाओं कोई भी सरकार हो जाए, कांग्रेस हो, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ये अच्छा, राजस्थान में महिलाओं की समस्या क्या है पीताम्बरा जी? सबसे बड़ी समस्या तो एक तो रोजगार का, क्योंकि जब हम आदि आबादी की बात करते हैं तो महिला रोजगार यहाँ बहुत कम है। दूसरी चीज है सुरक्षा, जो सुरक्षा के तौर पर थोड़ा सा अभी प्रशासनिक तौर पर जिसके जो पाते तो है, लेकिन जीरो लेवल पे अगर आप देखें तो उनकी रिपोर्टिंग की जाती है, उनको पुलिस कर्मी भगा देते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या बोला जाता है कि बोल रही हो। तो ये मैं कई चीजें मैं देखती हूँ, रिपोर्ट लिखवाने के लिए जैसे बात हुई है कई महिलाओं के साथ में, मैं गई हूँ उनके साथ, जो अभद्रताएं होती है बेसिक लेवल पर नहीं है। और क्या मुद्दे हैं महिलाओं के जिस पर महिला प्रदेश में अभी जो फिलहाल जो सरकार है उससे नाराज चल रही हो, या कई ऐसी योजनाएं हो महिलाओं के लिए जिससे खुश चल रही हो? क्या ऐसे ऐसी एक भी योजना नहीं है जिसे गहलोत सरकार ने महिलाओं के लिए किया हो प्रदेश में? नहीं, महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो गहलोत सरकार की योजनाएं बहुत खुश है, लेकिन कहीं किसी भी तौर पर थोड़ा सा ये है कि असंतुष्टि थोड़ी ज्यादा दिख रही है। अच्छा ठीक है, क्योंकि महिला वर्ग है उनको बेसिक चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है राहुल जी, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास। राहुल जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि जादूगर छू मंतर हो जाएंगे। नहीं, इस बात की कोई टिप्पणी नहीं बनती, मेरी कोई टिप्पणी नहीं बनती। प्रधानमंत्री का बयान जो आता है हर बार गैर जिम्मेदाराना और ठीक बयान नहीं आता। अभी तो कुछ दिन पहले अभी आए थे प्रधानमंत्री, तो वो कह रहे थे कि कमल पे ऐसा बटन दबाइए कि जिसे जैसे किसी को फांसी दे रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी को अब लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। रही महिला सुरक्षा की बात, महिला सशक्तिकरण की बात, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर हम राजस्थान सरकार लगातार काम करते आ रही है। बीजेपी ने 4.5 साल में 81 कॉलेज पिछले 5 सालों में वसुंधरा गवर्नमेंट ने बनवाए थे और 210 कॉलेज जिसमें 94 कॉलेज महिला कॉलेज अशोक गहलोत सरकार ने बनाए हैं। अभी स्कूटी वितरित की जा रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। और जब ज्यादा ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जिनके घर में महिलाओं का सम्मान खुद के यहाँ नहीं होता हो तो वो महिला सशक्तिकरण पर बात नहीं कर सकते। आप छोड़िए साहब, छोड़िए प्रजापति साहब, जसोदा जिस दिन नरेंद्र मोदी जी अपना घर बसा ले उसी दिन आप महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा। छोड़िए उन बातों को, पर्सनल कटाक्ष नहीं प्लीज, महिलाओं पर प्रधान पर्सनल नहीं प्लीज, चुनाव से रिलेटेड बातें कीजिए पर्सनल नहीं। यहाँ पर बैठे जितने मेहमान हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पर्सनल कमेंट से बचिए, बोलिए हम यहाँ आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा, बेकार ये इन सब पचड़ों में वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। बोलिए अपनी बात रखिए ना, आपको जो गलत लगता है सीधे बोलिए, नहीं देंगे वोट खत्म। इतनी के संस्कार है, इनसे देश की संस्कृति के बारे में क्या जाने राहुल यादव? इनको तो सोनिया गांधी के संस्कार आएंगे, कांग्रेस में वही इटली के संस्कार चल रहे, इसलिए महिला सम्मान हो नहीं सकता। शांति धारीवाल के बयान का खंडन नहीं करेंगे, ये मुख्यमंत्री के बयान का खंडन नहीं करेंगे। और अभी ये कह रहे थे कि गारंटी, मेरे को ये बताओ कि अजमेर में माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे खाली कुर्सियों को, कोटा के अंदर सभा कैंसिल करनी पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को, खाली कुर्सियां थी। रामनिवास गार्डन में खाली कुर्सियों को प्रधानमंत्री की सभा में कुर्सियां खाली है, जनता तो है इनके साथ। कर्नाटक और हिमाचल देख लिया, राजस्थान में भी हासिल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी मुद्दों पर और कारों पर बात करिए कांग्रेस ने, और कम से कम यहाँ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ये मैडम बैठी है, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत साहब की योजना अच्छी है। मदन प्रजापत साहब ने भी बताया कि 15% लोग जो सिफारिश से आते हैं आपके जो आप बनाते हो ना उसमें भी बाकायदा पेपर का हेडलाइन है कि आपकी नियुक्ति सिफारिश से हुई है, किसी की काबिलियत से नहीं हुई है। आपके यहाँ पदाधिकारी भी सिफारिश से बनते हैं, आपके यहाँ नेता भी सिफारिश से बनता है, तो आपके संगठन के बारे में विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं और दिखा सकता हूँ आपको, आप ये देखिए, ये है सॉरी पापा मैं आत्महत्या कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे भविष्य इस राजस्थान की सरकार ने भेज दिए। सरकारी नौकरी में पेपर आउट, 1.5 वर्ष में 1 से 1.25 लाख रुपए बेचकर फर्जी पेपर खरीदे। इस राजस्थान में 7 लाख युवा प्रभावित है 19 पेपरों लीक होने से, और 7 लाख युवाओं के अंदर जो है गरीब का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा
आज राजस्थान की सरकार को बद्दुआएं दे रहा है और उसके पास में 25 नवंबर को बटन है कि इस राजस्थान की पावन धरा से कांग्रेस नामी राक्षस को उखाड़ के बाहर फेंक देगा। आप निश्चिंत रहिए राहुल यादव जी, कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है राजस्थान। ठीक है राहुल जी को जवाब, कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है राजस्थान। एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत के खिलाफ बन रही है, अब इस पर जवाब ले लीजिएगा, जरा संयम रखिएगा मदन जी प्लीज, उनको बोलने दीजिए क्या कह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, बोलिए राहुल जी, बुलाइए। प्रजापत साहब को मैं बता दूं, राजस्थान में किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है इसमें जनता अशोक गहलोत साहब की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में काम किए हैं, काम के नाम पर वोट पड़ने जा रहा है। बोलिए राहुल जी। जी जी हाँ। काम के नाम पर राजस्थान में वोट पड़ने जा रहा है और महिला सशक्तिकरण की ये सब बात बीजेपी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको कहूँ तो बिंदुवार सारी चीजें बता सकता हूँ कि देश में भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया है, इन सब बातों को छोड़िए। और हाल में जो राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस सरकार के किए गए काम और हमारी 7 गारंटियों को लेकर चुनाव हो रहा है, देश राजस्थान की जनता इस पर विश्वास कर रही है। हमारी 7 गारंटियों में हम परिवार की महिला मुखिया को सशक्त करने के लिए ₹10,000 प्रति साल हम दे रहे हैं और दूसरा मेधावी छात्राओं को हम स्कूटी दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस ला रहे हैं, अगर कहे ना ओपीएस कि ओपीएस देंगे कि नहीं देंगे, हम ओपीएस दे रहे हैं। और दूसरा ₹2 प्रति किलो की खरीदी, हम ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी कर रहे हैं 36 की तर्ज पर। तो हम काम पर वोट मांग रहे हैं और भाजपा हिंदू इस पर जो युवा है जो नाराज है, जो पढ़ लिख कर वहाँ आपके राज्य का युवा है जिसे नौकरी चाहिए, पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मामला है, अब इस मामले को लेकर के भी पूरे राज्य भर में जो युवा है वो तूल पकड़े हुए कि भैया हम यहीं के हैं और इतना बड़ा मामला पेपर लीक का, इसमें राज्य की सरकार का कोई टेक नहीं है, तो ये जो खीज है ये कहीं ना कहीं वोट में ही निकलेगा ना राहुल जी, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। इस वर्ग को शांत करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी कुछ लेकर आ रही है, कुछ कह रही है, उन्हें समझा मना बुझा रही है, कोई स्टेटमेंट है तो बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमने यहाँ पेपर लीक को लेकर कानून बनाया और अभी आप पिछले दिनों नरेंद्र या गुजरात के अंदर 15 एग्जाम हुए और 15 के 15 पेपर लीक हो गए, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, यहाँ भी लीक हो गए और हमने यहाँ पर इसको लेकर अरे आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप कहेंगे मणिपुर में क्या हुआ था, राजस्थान में अभी आपको वोट देना है, राजस्थान में वोट मांगने जब जाएंगे वहाँ राजस्थान के लोगों से जो आपके आसपास के लोगों को कहेंगे कि ठीक है यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, जरा मणिपुर की महिलाओं को देखिए वो भी सुरक्षित नहीं है, आप हमें वोट कीजिए, ये नहीं कह सकते हैं आप, आपकी सरकार है, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। 10 सेकंड दीजिए हम जवाब, मदन जी जवाब देने को तैयार हैं, वो बोलिए मदन जी। देखिए मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम महिलाओं को ये देंगे, मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को चालू हुई थी, प्रारंभ हुई थी और जिसके अंदर प्रदेश में 3.5 करोड़ खाते खोले गए जिसमें से 12,000 करोड़ रुपए जमा हुए और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है इसके अंदर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी और प्रदेश के अंदर जो है इसका 25 लाख लोग है जिसमें से 9 लाख महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो 2000 में चालू की थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू की थी, 70,316 सड़कें राजस्थान के अंदर बनी है। प्रधानमंत्री किसान निधि 24 फरवरी 2024 को लागू की गई थी और राजस्थान के अंदर 76 लाख किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। इसी फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को आरंभ की गई थी और राजस्थान के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर इसका लाभ मिला, 54 लाख किसान इसके लाभार्थी हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लागू की थी और इसके अंदर प्रदेश के 20 लाख अधिक मकान जो है वो स्वीकृत हुए हैं। अब मैं मेरे मित्र से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने 2014 में योजनाएं चालू की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री
पांच साल तक कुंभकर्णीय नींद के अंदर सोते रहे और जब चुनाव आती है जब ये जागते हैं जब घोषणा हो तो अंबार लगा देते हैं हम ये कर देंगे। आज ये बताइए ना पांच साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आपने कहा है कि हम तो राहत कैंप लगाएंगे, राहत नहीं आपने आपद कैंप लगाए और आपने ये कहा कि 76 लाख उज्ज्वला के अंदर रजिस्टर पे अगर आपको देने थे 500 रुपए। ठीक है जवाब जवाब जल्दी से छोटा सा रखिएगा राहुल जी जवाब। पांच साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे बीजेपी ने 4 साल में 81 कॉलेज खोले और कांग्रेस ने 4.5 साल में 210 कॉलेज खोले और 92 महिला कॉलेज खोले और बीजेपी ने 4 साल में 1 कृषि कॉलेज खोला और जबकि कांग्रेस ने 42 कृषि कॉलेज खोले। बीजेपी ने 4 साल में 0 की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। आयुर्वेद खोले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े और साथ ही राजस्थान की भूमि पर जो रण इस वक्त है विधानसभा चुनाव का उसमें इस रण को जीत कौन लेगा इसकी होड़ है। देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में से सबसे पहले तो क्या राज जाएगा, रिवाज कायम रहेगा, यही सवाल एक बार फिर से दोहराता और गहराता नजर आ रहा है। इस पर कोई भी अपडेट होगी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल थोड़ी सी ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।